ड्रिंक्स तो अच्छा टॉपिक है, जानते हैं उनके दिल की बात है, ठीक है। वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स हियर, फॉर्चून कुकीज, लव मैसेजेस एंड टैरो। तो देखते हैं क्या आती है मैसेजेस, क्या आते हैं उनके दिल के जज्बात आज, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं क्या आते हैं फॉर्चून कुकी। एक चुनते हैं उनके लिए और एक आपके लिए, ठीक है। तो चलो दोनों के लिए ही कार्ड्स आ चुके हैं, सो लेट्स कनेक्ट विथ द रीडिंग। ओके, उनके लिए जो कार्ड आ गया है वो देखते हैं क्या है। दिस वन इज कमिटमेंट, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड ये आ गया है, कमिटमेंट फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। अ कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस, आई विल मेक यू फील बेटर, इट विल मेक यू फील बेटर, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप कमिटमेंट इस वर्ड को लेकर परेशान थे तो आपको एक सरप्राइज भी मिल सकता है। दिस पर्सन कैन गिव यू कमिटमेंट कि भाई हाँ मैं प्यार करता हूँ या फिर मैं साथ निभाऊंगा। तो जो भी अगर आपको वचन चाहिए या फिर इस पर्सन ने सबके सामने कहना चाहिए या फिर आपको भरोसा दिलाना चाहिए कि भाई ये आपका साथ निभाएगा, ऐसी कोई चीज़ आपको महसूस हो सकती है आने वाले कुछ पलों में या लम्हों में। एंड आपके लिए जो कार्ड आ गया है वो है सोसाइटी। Say yes to all wonderful invitations coming your way, excellent networking opportunities and new love interest for singles, ठीक है। तो आपके लिए आ गया कहीं ना कहीं, अगर ये आपको yes कह रहे हैं, commitment दे रहे हैं, तो आपको भी काफ़ी अच्छा रहेगा। Maybe बहुत सारे लोगों के साथ आपकी meetings हो सकती हैं या फिर बहुत सारे friendly connection आपके बन सकते हैं। Because this person is going to say yes, तो आप बहुत सारे friends को call करके finally कह सकते हैं कि भाई this person has finally said yes to you, ठीक है। तो आपको भी काफ़ी अच्छा दिन आज महसूस हो सकता है। So let's connect with the love messages, देखते हैं क्या आते हैं love messages, ठीक है। करते हैं shuffling and here we go। पहला card जो है you can listen to me talk forever, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है एंड इसको बातें करना बहुत पसंद है। तो शायद ये जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस कोई भी हो सकता है, हालांकि बाकी का भी कोई साइन हो सकता है, लेकिन इन साइंस को बहुत मोस्टली बातें करना बहुत पसंद है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट्स। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, इसीलिए ये आपको बहुत पसंद करता है, बिकॉज आप उसके भरोसे के लायक हो। नेक्स्ट कार्ड है यू आर सच ए किंग ह्यूमन बींग, सच काइंड ह्यूमन बींग, ठीक है, काइंड ही रहेगा। आई थिंक आप बहुत प्यारे हो इस पर्सन के लिए एंड आपकी अच्छाई इस पर्सन ने हर बार देखी है। चाहे आपने किसी को डोनेशन किया है, किसी को हल्की फुल्की मदद की, इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। तो जब ये एक्सपेक्ट करता है कि समबडी हुम ही और शी शुड मीट, वो कैसा होना चाहिए, तो बस आपका ही चेहरा उनकी आंखों के सामने आता है। तीन कार्ड इस पर चुके हैं, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, स्माइल एंड लाफ और इवन क्राई जस्ट स्मेल्स माई हार्ट। आप जो भी चीज़ करें इनको काफ़ी अच्छा लगता है, इनका दिल आप हर प्रकार से जीत ही लेते हो। एंड जो विनोले कार्ड है वो है यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। आपके हिसाब से ये पर्सन बेस्ट लुकिंग पर्सन है इन द वर्ल्ड और ये इस पर्सन को काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। लेट्स नाउ कनेक्ट विद द टैरो, देखते हैं क्या आता है रीडिंग, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। तो देखते हैं फर्स्ट कार्ड एंड ये है नाइट ऑफ कॉइंस। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द नाइट ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक दिस पर्सन इज रेडी टू शेयर समथिंग विद यू। मे बी जैसे कि हमने देखा कि फॉर्चून की तो आई थी कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकता है। सेकेंडली ये भी है कि ये पर्सन आपके साथ काफ़ी खुश है, मे बी आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता है। रोमांटिक पल हो सकते हैं कि भाई कुछ बातें करे आपके साथ एंड कम्युनिकेट विथ यू एंड जस्ट शेयर विथ यू। तो आप दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि या तो आप फ़ोन पर बातें करें या फिर पर्सनली मिलें और कहीं पर घूमें फिरें, जो भी आपका मन करे। सेकेंड रिकॉर्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत ही खूबसूरत। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, ये जो कार्ड है ये उनकी दिलचस्पी दिखाता है, ठीक है। मे बी ये पर्सन आपको थोड़ा बहुत जज भी कर रहे हैं, ओके, इसके हिसाब से ये पर्सन आप में बदलाव देखना चाहते हैं। जैसे ही आपको कमिटमेंट देंगे तो आपके चेहरे पे कितनी स्माइल होगी, आप पहली बात क्या करना चाहेंगे, क्या आप किसी को फ़ोन करेंगे या फिर आप इनको कॉल करेंगे या फिर आप इनको गले लगाएंगे, ऐसी कोई भी बात है, तो ये उनके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है
एट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आई थिंक कहीं ना कहीं पर्सन जो है आपको थोड़ा अपना समय भी देना चाहते हैं और थोड़ा समय खुद भी ले सकते हैं, इसीलिए क्योंकि ये पर्सन आपको फाइनली कमिटमेंट दे चुके हैं, तो अब इनके ज़िंदगी में ऐसी कोई बात नहीं बची जो इन्होंने आपसे कही नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर यू नो ये पर्सन इसके लिए रेडी नहीं है तो थोड़ा समय आपसे मांग सकता है और उसके बाद आपको कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है सेवन ऑफ वॉन्स, कैन ये है इट इज़ लियो सैज। यहाँ पे बस एक ही बात आती है कि कहीं ना कहीं पे इनका पास्ट जो है वो थोड़ा सा आड़े आ सकता है, या फिर समवेयर अबाउट द फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अपनी सच्ची बात नहीं कह रहा है तो मे बी आप इसके फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर ये आपसे कोई झूठा वादा कर रहे हैं तो इनके फ्रेंड्स आपको सही बात बताएंगे एंड आप किसी गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने से बच सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है एट ऑफ सोर्ड्स, एज आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं अगर आप किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ चुके हो और अगर वो पर्सन झूठ बोल रहा है तो आपको वो डायरेक्टली समझ में आएगा, नहीं आ गया तो आपको तकलीफ हो सकती है। एट ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड है वो उनके लिए आना चाहिए ना कि आपके लिए, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए डिपेंडेंट है जो किसी को गुमराह करना चाहते हैं या फिर बस किसी की किसी के ऊपर प्रैंक करना चाहते हैं, ठीक। सो दिस वे यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड कि ये पर्सन जो है वो आपको सही राह दिखाने की ही कोशिश करेगा मोस्टली, और अगर नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो खुद ही अपने जाल में फंस सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी सही लोगों से जुड़ने की। एंड जो फिनाले कार्ड आ गया है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड योर रियल वन, जो भी आपके लिए सच्चा प्रेम होगा वो आपको कैसे ना कैसे मिल ही जाएगा। एटलीस्ट यू विल फाइंड हिज नंबर और यू विल फाइंड हिम और यू विल मीट हिम, किसी ना किसी तरीके से ऐसा हो सकता है एंड यू विल फाइनली बी इन लव विद दैट पर्सन, ठीक है। अगर कोई सच्चा प्यार है तो सच में आपके सामने वो ज़रूर आएगा, ठीक है। अभी तक अगर आपने किसी को अपने दिल की बात कही नहीं है तो शायद कल का एक दिन है जो आप किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हो। इथ रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।